तो नमस्कार, हमारे YouTube चैनल हेल्थ फिटनेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त आरिफ। दोस्त, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हिमालय लुताल टेबलेट के बारे में और इसका साइड इफेक्ट है या नहीं। दोस्तों, ये जानने आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को देखने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दी गई इस वीडियो के नीचे लाल बटन पर क्लिक करें, साथ बेल आइकन को भी दबाइए। इससे आपको हमारे न्यू वीडियो की सबसे पहले पा सके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हिमालय लुताल टेबलेट के बारे में। यह दवा विक्रेता दवाओं के साथ शराब ना पीने की सलाह देते हैं क्योंकि शराब नींद के दुष्प्रभाव को तेज कर देता है। ग्लूकोल टैबलेट का प्रयोग करते समय कृपया इन प्रभावों का ध्यान रखें। अपने शरीर सेवन करने के दौरान क्या गाड़ी चलाना या भारी मशीन संचालित करना सुरक्षित है? यदि ग्लूकोल टैबलेट दवा का सेवन करने के बाद दुष्प्रभावों के रूप में आपको निद्रा, चक्कर आना, स्थितियों के अनुसार सुझाव पाने के लिए हमेशा अपने चिकित्सक से परामर्श करें। क्या यह दवा या उत्पाद व्यसनी आदत बनाने वाला है? ज्यादातर दवाओं में व्यसन का दुरुपयोग की संभावना नहीं होती है। आमतौर पर दवाओं के साथ शराब ना पीने की सलाह देते हैं क्योंकि शराब नींद के दुष्प्रभाव को तेज कर देता है। ग्लूकोल टैबलेट का प्रयोग करते समय कृपया इन प्रभाव के अपने शरीर और विशेष श्रेणी से संबंधित नहीं है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कृपया उत्पाद पैकेज देखें। अंत में, चिकित्सक की सलाह के बिना खुद दवाएं ना लें और दवाओं के लिए अपने शरीर की निर्भरता ना बढ़ाएं। सेवन तुरंत बंद किया जा सकता है या मुझे इसे धीरे धीरे बंद करना होगा? प्रतिघात प्रभावों की वजह से कुछ दवाओं को धीरे धीरे कम करने की जरूरत होती है या उन्हें तुरंत बंद नहीं किया जा सकता है। अपने शरीर स्वास्थ्य और आपके द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्य दवाओं के अनुसार सुझाव पाने के लिए कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श। इस दवा का प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक को अपनी वर्तमान दवाओं के निर्देशित उत्पादों जैसे विटामिन, हर्बल सप्लीमेंट आदि, एलर्जी, पहले से मौजूद बीमारियों और वर्तमान स्वास्थ्य स्थितियों जैसे आगामी सर्जरी आदि के बारे में जानकारी प्रदान करें। कुछ स्वास्थ्य परिस्थितियां आपको दवा के दुष्प्रभावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना सकती हैं। अपने चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार सेवन करें या उत्पाद पर प्रिंट किए गए निर्देशों का पालन करें। खुराक आपकी स्थिति पर आधारित होती है। यदि आपकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है या यदि आपकी हालत ज्यादा खराब हो जाती है तो चिकित्सक को बताएं। महत्वपूर्ण परामर्श बिंदुओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है। अगर आपको स्त्री रोग उत्पादों से प्रत्युजता है तो अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। सरकार दवाओं को नियंत्रित पदार्थ के रूप में वर्गीकृत कर देती है जो व्यसनी हो सकती है। भारत में अनुसूची एच या एक्स और अमेरिका में अनुसूची ई भी इसके उदाहरण के लिए रूप में शामिल है। आपकी दवा दवाओं की ऐसी किसी विशेष श्रेणी से संबंधित नहीं है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कृपया उत्पाद पैकेज देखें। अंत में, चिकित्सक की सलाह के बिना खुद दवाएं ना लें और दवाओं के लिए अपने शरीर की निर्भरता ना बढ़ाएं। अगर आपको ना समझ में आए तो हमें कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें। जो ना समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।